किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रीटेक फंक्शन में। तो किसान साथियों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, सर प्लीज़ अर्जुन 605 DI MS का वीडियो करके दीजिए। जैसा कि किसान भाइयों, अभी सीजन आने वाला है रबी की बुआई का, तो जो हमारे किसान भाई हैं बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, जिनका सुपर सीटर वगैरह का जो है काम है, जैसा कि मैंने कमेंट में पढ़ा था, कुछ भाई कह रहे थे अभी सुपर सीटर का सीजन आने वाला है सर। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी में हमारा डीलक्स मॉडल आया है DI 605 MS, अर्जुन किसानों की पसंद। तो किसान भाई लेकर के आ गए हैं, करेंगे आज रिव्यू अर्जुन 605 डीलक्स मॉडल का। क्या कुछ कंपनी में जो है चेंजेस किए हैं, क्या कुछ नया है ट्रैक्टर में, तो अभी शुरुआत करेंगे और सारी जानकारी आप लोगों तक जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले आप लोग ट्रैक्टर देखिए, कंपनी ने लाइट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं किया है। और वहीं पे बात करते हैं ट्रैक्टर के लोगो वगैरह की। लोगो जैसा का तैसा ही कंपनी ने रखा है, काफ़ी बढ़िया। और ये आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी। और उसी के साथ में किसान भाइयों, आप लोगों को जो है ट्रैक्टर में जो हेडलाइट्स मिल जाती हैं, हाइलोजन बल्ब के साथ में आप लोगों को जो है लाइट्स मिल जाती हैं। उसी के साथ में सिंपल पार्किंग के साथ में जो है हेडलैम्प्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया क्रोम प्लास्टिक जाली लगाई गई है, जो कि किसानों को रुझाती है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया। वहीं पे जो है किसान भाइयों को बम्पर वगैरह लगाने का काफ़ी बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। और एडजस्टेबल एक्सल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में बात करते हैं ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग वगैरह की। डुअल एक्टिंग प्रेशर रॉड आप लोगों को देखने को मिल जाता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी में जो है आप लोगों को प्रेशर पंप देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में जो ट्रैक्टर में राड आते हैं, दोनों तरफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि हमारी स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया और सुटेबल चलती है। और कई सारे ट्रैक्टर्स जो कंपनीज होती हैं, वो सिंगल रॉड के साथ में ट्रैक्टर कंपनी बाजार में लॉन्च करती हैं। महिंद्रा द्वारा दिए गए सारे ट्रैक्टर्स में आपको डुअल एक्टिंग प्रेशर रॉड देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, वहीं बात करते हैं फ्रंट के टायर की। फ्रंट सीएट के टायर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, आप लोगों को दिखा देते हैं 750/16 फ्रंट टायर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ में बात करते हैं ट्रैक्टर के रियर टायर की और बैक टायर की। तो 16/9 28 के जो है सीएट के टायर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि आयुष्मान कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करते हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की। काफ़ी बढ़िया और मजबूत जो है पिछला हिस्सा ट्रैक्टर में जो दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे डिपर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे आप लोगों को जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में ट्रैक्टर कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। बैक में आप लोगों को जो है मिल जाता है काफ़ी बढ़िया रिफ्लेक्टर वगैरह। और कंपनी ने बैक में कोई ज़्यादा ढेर सारे चेंजेस नहीं किए किसान भाइयों। वीडियो पावर, हाइड्रोलिक पावर आप लोगों को बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। और क्या खूबी है इस ट्रैक्टर में, इंजन में क्या कुछ बदलाव है बताएंगे। शुरू करते हैं अब डायरेक्ट ट्रैक्टर में आपको इंजन की डिटेल। तो सबसे पहले ट्रैक्टर के फ्रंट में आके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया हमारा जो एयर का एक कंजम्पशन एयर होती है, उसके लिए जो है जो हमारी इंजन को काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती है। तो हमारे डीजल का या जो फ्यूल हमारा ट्रैक्टर के अंदर रहता है, उसकी जो है जलने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो एयर क्लीनर जो ट्रैक्टर में अक्सर किसान हमारे भाई बोलते हैं, इसमें ड्राई एयर क्लीनर आप लोगों को मिल जाता है। साथ में आप लोग काफ़ी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। ये सेंसर काम कैसे करता है, क्या ट्रिक है सेंसर की, तो जैसा कि हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर को अपना सुपर सीडर या रीपर वगैरह पे, स्टार रीपर वगैरह पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किसान भाई ड्राई फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर के चौक होने से जो हमारा किसान भाई का लॉस होता था पहले, अब वो इस सेंसर की वजह से नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ट्रैक्टर ज़्यादा हीट पकड़ने लगता है, ये सेंसर ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड में एक जो है इंडिकेट करेगा, जिससे हमारा किसान भाई सतर्क हो जाएगा और फिल्टर को काफ़ी अच्छे से चेंज कर सकता है या उसकी सफाई। वैसे तो किसान को 12-12 घंटे या 13-13 घंटे ट्रैक्टर चलाने के बाद में एयर फिल्टर वगैरह की सफाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे इंजन को काफ़ी हद तक कम नुकसान होता है किसान भाइयों। और वहीं पे बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। 4 सिलेंडर के साथ में ट्रैक्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। 2000 रेटेड आरपीएम पे इसकी फुल ताकत आपको देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, वहीं पे बात करते हैं कूलेंट टैंक वगैरह की। क्या कुछ कंपनी ने लगाया है, रेडिएटर वगैरह हैवी यूज़ के लिए ट्रैक्टर कैसा क्या रहने वाला है किसान भाइयों। तो अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे कूलेंट टैंक लगा हुआ है, जो जिसमें हम किसान भाई अपना कूलेंट वगैरह डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह सुनिश्चित की गई है इंजन के ऊपर ही, आप लोग देख सकते हैं। उसी के साथ में आप लोग यहाँ ट्रैक्टर का इंजन वगैरह देख सकते हैं, अपने अल्टरनेटर की फिटिंग वगैरह देख सकते हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी में आप लोगों को सामने फ्रंट में जो है रेडिएटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में काफ़ी अच्छा कंपनी ने ध्यान रखा है रेडिएटर की हवा वगैरह का। सामने फ्रंट में आप लोगों को प्लास्टिक क्रोम जाली देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे इंजन को चारों तरफ से हमारे रेडिएटर को हवा प्रोवाइड करा सकती है, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे भी क्रोम जो है आप लोगों को जाली देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक का क्रोम है किसान भाइयों। और जाली जो हमारी है वो लोहे मेटल की रहने वाली है। उसी के साथ में किसान भाइयों आप लोगों को बता दें, इस ट्रैक्टर का जो फ्यूल टैंक है काफ़ी भारी रहने वाला है, 60 लीटर फ्यूल स्टोर करके रख सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। और चलेंगे ट्रैक्टर के ऊपर, क्या कुछ नज़ारा दिखता है ट्रैक्टर के ऊपर से, क्या कुछ लुक आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को सिंगल फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिससे हमारा किसान आसानी से ट्रैक्टर के ऊपर जा सकता है। तो अभी चलते हैं ऊपर। सामने आप लोगों को सबसे पहले कंफर्ट सीट देखने को मिल जाती है, जिसको अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं तथा अपने वेट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया कंफर्ट सीट रहने वाला है। और महिंद्रा की बात ही अलग है। बैठने के बाद किसान भाइयों कुछ ऐसा लुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के स्टाइल का आप लोगों को स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, डिजिटल मीटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया साइलेंसर वगैरह। साइलेंसर में कोई चेंज नहीं करती कंपनी, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर की आवाज़ वगैरह रहने वाली है किसान भाइयों। और वहीं पर आपको रेस के लिए काफ़ी बढ़िया लीवर वगैरह देखने को मिल जाएगा। घंटे के लिए आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, मैनुअल मीटर आप लोगों को स्पीड वाला मिल जाएगा। और उसी के साथ में किसान भाइयों आप लोगों को मिलने वाला है, ये देखिए यहाँ पे जो है गाड़ी स्टाइल का जो है हमारा हेडलैम्प्स वगैरह जलाने के लिए काफ़ी बढ़िया स्विचेस वगैरह हैं। और सारे स्विचेस आप लोगों को पता ही होंगे, हॉर्न का है अपना, स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग का हो गया, और यहाँ पे स्टॉपर वगैरह हो गया। बैक में देखने के लिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हद तक अच्छा सारा मिरर लगाया है कंपनी ने। और वहीं पर आप लोगों को ये ट्रैक्टर जो है 2 गियरबॉक्स के साथ में देखने को मिल जाएगा, लो हाई गियरबॉक्स और रिवर्स फॉरवर्ड पीटीओ के दोनों ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं गियर की, तो इसमें लो हाई के हिसाब से आप लोगों को फॉरवर्ड और रिवर्स गियर मिलने वाले हैं। और हाइड्रोलिक एडजस्टेबल करने के लिए जो लीवर है बिल्कुल सीट से सटा के रखे गए इस बारी में। और यहीं बात करते हैं गियर की, साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आप लोगों को मिल जाएगा। और वहीं पर काफ़ी बढ़िया जो है जगह रहने वाली है, आराम से आप लोग काम कर सकते हो बैठ के। काफ़ी बढ़िया हैवी जो है लुक प्रदान करता है ऊपर ट्रैक्टर। और वहीं पे बात करते हैं ट्रैक्टर के मेडगार्ड वगैरह फिनिशिंग की, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग रहने वाली है। मेडगार्ड में भी काफ़ी बढ़िया क्रोम वगैरह लगाने का जो है कार्य किया गया कंपनी द्वारा, काफ़ी बढ़िया क्रोम देती है। अर्जुन पहले से ही क्रोम दे रही है किसान भाइयों, और कंपनी ने जो है क्रोम में की डिज़ाइन में चेंजेस किए हैं किसान भाइयों, ध्यान से देखिएगा। जो क्रोम लग के आती थी उसमें और इस क्रोम में काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में चेंजेस हुए हैं। और वहीं बात करते हैं महिंद्रा की मेटल बॉडी वगैरह की, या बिल्डिंग जो है मटेरियल की, काफ़ी बढ़िया जो है पहले से काफ़ी मजबूत जो है मेडगार्ड वगैरह कंपनी दे रही है इस टाइम पे। और सीट पे बैठ के कुछ ऐसा लुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी गाड़ी है किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई ज़्यादा काम करने के लिए सुपर सीटर वगैरह चलाने के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर रहने वाला है अर्जुन जो है अल्ट्रा। अभी इसके साथ नीचे चलते हैं और बैग में देखते हैं ट्रैक्टर में क्या कुछ लगा हुआ। बढ़िया है, रेडियल टायर है ट्रैक्टर में। और वहीं पे बात करते हैं ट्रैक्टर के लिफ्ट कैपेसिटी की, 1650 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी आप लोगों को देखने को इस ट्रैक्टर में मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया है जो कि कंपनी दे रही है। 34 HP से 44 HP तक पीटीओ पावर आपको ट्रैक्टर प्रदान करेगा, 2000 रेटेड RPM पे, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और वहीं पे बात करते हैं ट्रैक्टर के बैक हिस्से की, काफ़ी बढ़िया रिफ्लेक्टर वगैरह कंपनी ने लगाया है। और उसी के साथ में डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है कंपनी दे रही है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर आप लोग देख सकते हैं, सामने आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगा, काफ़ी बढ़िया है। वहीं पे बात करते हैं ट्रैक्टर के डिपर्स वगैरह की, लुक वगैरह की। अर्जुन सब ट्रैक्टरों का राजा है मान के चलते हैं, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और वहीं पे बात करते हैं ट्रैक्टर की कीमत वगैरह की, आखिरी में, सबसे आखिर में। तो अभी भैया से कंफर्म करके आप लोगों की कीमत डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हर राज्य और हर स्टेट की कीमत अलग अलग होती है किसान भाइयों। तो ट्रैक्टर आपको कैसा लगा? अर्जुन 605 अल्ट्रा जो है फर्स्ट 605 DI MS महिंद्रा का ट्रैक्टर, काफ़ी बढ़िया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में जो खामियाँ हों प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।